हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट 2022 के बारे में। आपके मन में जो डाउट क्रिएट हो रहा है, क्या हमारा सीटेट 2022 अब पोस्टपोन्ड हो गया है? क्या सीटेट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म अब नहीं आएगा? आखिर डिले होने का रीजन क्या है? आखिर क्या हमारा सीबीटी मोड में एग्जाम नहीं कराया जाएगा? क्या हमारा ऑफलाइन मोड में होगा? इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग एक बाय एक बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमारा क्या है रीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म हमारा अभी तक क्यों नहीं आया। तो हम बात करें, अगर लास्ट ईयर भी जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आया था सीटेट का, वो हमारा लगभग आया था 16 सितंबर के आसपास। कब आया था हमारा? 16 सितंबर के आसपास आया था। तो इस बार भी हमारा अभी कोई भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म डिले नहीं हुआ है। आज या तो एक दो दिन बाद इसी वीक में आने की पूरी संभावना है। आपका सीटेट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म इस वीक में आ जाएगा आपके पास। तो आपका भी कोई भी एग्जाम डिले नहीं हुआ है आपका। अब हम बात करते हैं, क्या हमारा एग्जाम सीटेट 2022 पोस्टपोन कर दिया गया है? तो ये सरासर हमारी अफवाह है। ये हमारी इस बात पर कोई भी सत्यता नहीं है, क्योंकि सीटेट ने अपनी ऑफिशियल साइट पर ही बताया था नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो कि अभी भी उनकी साइट पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सीटेट 2022 का एग्जाम है वो हमारा दिसंबर मंथ में कंडक्ट कराया जाएगा। तो हमारा एग्जाम कब कराया जाएगा? तो हमारा एग्जाम कराया जाएगा दिसंबर मंथ में। आखिर दिसंबर मंथ में कराया जाएगा तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म लेट नहीं हो जाएगा? अगर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आज या एक दो दिन बाद के अंदर अंदर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आता है, तो हमारे जो एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम की डेट में जो हमारे समय अंतराल, जो टाइम इंटरवल वाला जो समय रह जाएगा, बहुत ही कम रह जाएगा। इसलिए आप ये सब अफवाह पर बिल्कुल भी गौर मत करिए, अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है। हमारा एग्जाम दिसंबर मंथ में ही कराया जाएगा, जो कि अब हम तीसरी बात करते हैं, कब होगा एग्जाम? तो अभी जस्ट बताया आपका दिसंबर मंथ में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये 100% फिक्स है, क्योंकि सीटेट ने अपने नोटिफिकेशन में ही बताया था कि हमारा एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो दिसंबर मंथ में कराया जाएगा। तो हमारा एग्जाम होगा दिसंबर मंथ में होगा। अब एडमिट कार्ड हमारा कब आएगा? तो एडमिट कार्ड भी हमारा एग्जाम से कुछ दिन पहले आएगा, जो उसी में हमको बताया जाए कि हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ पर, सिटी का है। जब एडमिट कार्ड हमारा आ जाएगा तभी हमको पता लगेगा कि हमारा किस दिन हमारा एग्जाम डेट है, क्योंकि जो हमारा सीटेट का लास्ट एग्जाम हुआ है वो भी एग्जाम हमारा कम से कम 1 मंथ चला था। कितने दिन चला था? 1 मंथ तक हमारा एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था। तो इस बार जो हमारा सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम होने वाला है, तो वो भी हमारा 1 मंथ तक अप्रोक्स चलेगा। तो मतलब जनवरी मंथ तक हमारा एग्जाम जाने की संभावना है। तो हमारा जब एडमिट कार्ड आएगा तभी हमको पता लगेगा कि हमारा एग्जाम डेट क्या है, क्योंकि कई शिफ्ट वाइज में, कई डेट्स में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। तो ये एडमिट कार्ड पर ही हमें पता लगेगा, जो कि हमारा आएगा एग्जाम से कुछ दिन पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। क्या हमारा एग्जाम अब हमारा ऑफलाइन होगा? ये अफवाह भी बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हुई थी। तो इस पर भी आप लोग बिल्कुल भी डाउट क्रिएट मत करिएगा। एग्जाम हमारा बिल्कुल सीबीटी मोड में ही कराया जाए। किस मोड में होगा? सीबीटी मोड में, जो कि लास्ट ईयर भी हमारा कराया गया था। इसलिए हमारा एग्जाम 1 मंथ तक जाता है। ऑफलाइन कराने का कोई भी ऐसा विचार सीटेट का नहीं है। अगर सीटेट का ऐसा कोई भी विचार होता या कोई भी नोटिफिकेशन आता, तो ऑफिशियल रूप से मैं आप लोगों को बताता या फिर उनकी साइट पर मौजूद होता। तो ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये सिर्फ अफवाह है कि हमारा एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारे अब नहीं आएंगे, हमारा सीटेट का एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। तो ये सब हमारा अफवाह है, आप इस पर गौर मत करिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन हमारा थोड़ा सा डिले हो चुका है। तो हमारे एग्जाम में और एप्लीकेशन फॉर्म के बीच में समय बहुत ही कम मिलेगा तैयारी के लिए। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और अफवाह को बिल्कुल नेग्लेक्ट करिए, इस पर ध्यान मत दीजिए। तो मैं इसी बात के साथ आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने एग्जाम को खूब अच्छे से तैयारी करेंगे। हमारा चैनल आपके साथ हमेशा सपोर्ट बनकर खड़ा है। आप लोगों को हर विषय के लिए तैयारी
के माध्यम से आप लोगों को हर सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। चलिए आज की वीडियो में बस यही सूचना देनी थी आपको सीटेट 2022 के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।